हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज मैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, साबूदाने की खीर। ये ज़्यादातर फास्टिंग में बनाई जाती है, ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, बच्चों के लिए भी हेल्थ के लिए सही रहता है। तो चलिए मैं क्या ली हूँ वो दिखा देती हूँ। मैं यहाँ ली हूँ 1 कटोरी साबूदाना, 1/2 कटोरी चीनी और क्रश की हुई ड्राई फ्रूट्स। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स में जो आपकी पसंद की है वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ बस काजू और बादाम ली हूँ, इसे क्रश कर दी हूँ और 1/2 लीटर दूध ली हूँ। साबूदाना को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देना है। पानी में डालकर साबूदाना छोड़ने से जो हमारी साबूदाना है वो अच्छे से पक भी जाती है और बहुत जल्दी खीर बन के तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ ली हूँ 1 पैन, इसमें डाल रही हूँ दूध, दूध डालकर अच्छे से बॉईल कर लेना है। मेरा जो दूध है अच्छे से बॉईल हो गया है, ऊपर की तरफ आने लगा है। अब मैं इसमें साबूदाना डाल रही हूँ। डालने से पहले आप साबूदाने को 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लीजिए और इसे अच्छे से चलाते रहिए। इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि नीचे चिपके ना। दूध जब ऊपर की तरफ आने लगे तो आप गैस मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए या लो फ्लेम पर, आप उसी के हिसाब से अपनी गैस की फ्लेम करेंगे। मेरा जो साबूदाना है वो 1/2 पक चुका है, ऊपर की तरफ आने लगा है। आप देख ही सकते हैं वो कितने अच्छे से पक रहे हैं। साबूदाना अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स। जो चीनी है वो आप लास्ट में डालिए, पहले डालने से जो हमारा दूध है वो फट जाएगा।
अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी ऐड करने के बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए, इसे ज़्यादा देर नहीं चलाना है। आप भी इसी तरह आसानी से अपने घर बना सकते हैं खीर। मेरा खीर बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये खीर कैसी बनी है। अगर आपको ये डिश अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।